हेलो दोस्तों, मैं सोनबीर सिंह एडी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चे वीडियो को शेयर करते हुए सभी लाइव आ जाइएगा। बच्चे वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लाइव आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करते हुए सभी वीडियो को शेयर कर दो भाई, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चीजों को रिवाइज करते रहो, और रिवाइज करने के बाद में यहां प्रैक्टिस करते रहो। चलो सेशन स्टार्ट किया जाए। सभी लाइव आ जाओ भाई, सभी कहां रह गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, सभी लाइव आ जाओ। साउंड क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। देखो जो क्वेश्चन इजी होंगे वहां थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे, और जहां क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, बताने लायक होगा, तो वो उसे हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखो अल्फाबेट की आपको नंबरिंग आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बाई कितने नंबर पे आता है। बाई आता है दोस्तों आपका 25 नंबर पे आता है, 25 पे। W आता है आपका 23 पे, तो यहां देखोगे Q आता है आपका 17 पे। तो 25 से 17 हो गया तो कितना कम हो गया, 18। और यहां पे O आता है 15 पे, तो 23 से 15 हो गया तो कितना कम हो गया, 8 कम हो गया, ठीक है ना। माइनस के 8 चल रहा है, यहां भी माइनस के 8 चल रहा है। U आता है आपका 21 पे और M आता है आपका 13 पे, तो कितना कम हो गया, माइनस के 8। तो पता चल गया हमें माइनस का 8 कम चल रहा है। तो जेड आता है 26 पे, तो 26 में से माइनस 8 कम करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो आर किस ऑप्शन में आ रहा है, दो में आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। एक्स आता है 24 में, 24 में से 8 कम करोगे तो क्या आएगा, पी। तो पी दोनों में आ रहा है। और बच्चे वी आता है आपका 22 में, 22 में से 8 कम करोगे तो एन आ जाएगा। और टी आता है 20 पे, 20 में से 8 कम करोगे 12, 12 पे एल। ऑप्शन ए आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गुड इवनिंग भाई, वीडियो को शेयर कर दो सभी। बी जे ई के बाई टी पी वी, तो यहां पे नंबरिंग करनी है आपको। यहां पे देखोगे अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि बी 2 पे आता है, बाई आता है आपका 25 पे, तो 25 और 2 27 हो रहा है। जी 7 पे आता है, टी 20 पे आता है, 20 और 27 हो रहा है, ठीक है ना। ई 5 पे आता है और वी आता है आपका 22 पे, तो 22 और 5 27, के 17 पे, सॉरी 11 पे, और पी कितने पे आता है, 16 पे, तो कितना हो गया 27। तो ए जब एक पे आता है, एक में कितना जोड़े जो 27 हो जाए, तो 26 जोड़ दो, 26 पे क्या आता है, जेड आता है, दो में आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, एफ आता है 6 पे, 6 में कितना जोड़े, 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 21 पे क्या आएगा, यू, ऑप्शन सी जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 23 29, भाई वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करिएगा। देखो ये सेशन स्पेशली आपके लिए रहता है, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, बच्चे लाइव नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो टीचर का मोटिवेशनल जो आपका डोज है, ये यही है कि जो बच्चे ज्यादा लाइव रहते हैं वही उसी से टीचर मोटिवेट रहता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2329 2329, तो यहां पे 2329 करोगे तो 2 × 3 करोगे तो कितना होगा 6, 2 × 9 करोगे तो कितना हो गया 18। तो ये कितना गुना हो रहा है भैया, 3 गुना हो रहा है। ऐसे ही 4 × 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका 3 गुना कर दो तो कितना 12, तो ऑप्शन में देखो 12 किसका बैठेगा, तो 4 × 3 का बैठेगा, ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, 100 प्लस करो, बहुत जल्दी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो, यहां पे पेयर बना लेते हैं, ये हो गया 32 65, तो 32 से 43 हो गया तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 11 ऐड हो रहा है। 65 से 76 हो गया तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 11 ऐड हो रहा है। ऐसे ही 40 में प्लस के 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 7 4 × 1 = 5 57 आ रहा है स्टार्टिंग में किसी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी चेक कर सकते हो, 73 में 11 जोड़ोगे तो 84 आएगा, तो 57 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगला। राम राम भाई शुभम, राम राम सभी को। चलो अगला क्वेश्चन 100 प्लस। अगला क्वेश्चन है 6 14 30, गिवन सेट है, ये सेट गिवेन है आपका, तो इसमें जो कोड लगा हुआ है उसे डिकोड करके ऑप्शन टेक अप करना है आपको, तो ऑप्शन पकड़ना है आपको। तो देखेंगे बच्चे, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 6 14 30,
तो ये क्या हो रहा है, 6 × 2 + 2, 6 × 2 = 12 और 2 = 14 हो गया। ऐसे यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 × 2 = 28 + 2 × 2 + 2 चल रहा है, तो यहां पे करोगे × 2 + 2, तो 4 × 2 = 8 और 2 = 10, ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है ना, ऑप्शन ए कैंसिल। यहां करोगे 7 × 2 + 2, ये तो ऑटोमेटिक वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, यहां करोगे 6 × 2 + 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां करोगे 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, 12 × 2 = 24 और 2 = 26, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन में देख लूंगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, जो डिजिट थी उनका मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके दोनों में तो कितना टाइम्स हो रहा था वो, ठीक है, वो था। इसमें ऑड वन आउट निकालना है मेरे दोस्तों, ऑड वन आउट निकालना है, यहां पे ऑड वन आउट, विषम को चुनना है, तो ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे और जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, एल 12 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, एस 19 पे, यू 21 पे, डब्ल्यू 23 पे, वाई 25 पे। तो देखो यहां कितना हो रहा है, यहां पे कितना हो रहा है, तो यहां देखेंगे यहां कितना, 1 से 2 ऐड हो रहा है, 2 × 3 = 2 = 5, 5 × 2 = 7, यहां पे 10 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 2 = 16, 19 × 2 = 21, 21 × 2 = 23, 23 × 2 = 25, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 6 और 2 = 8 होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, 100 + 16 = 29 कितना है, 16 = 29 है, तो ये 16 = 29 क्या कह रहा है, यहां पे देखोगे आप, अगर मैं 1 + 6 + 2 करूं तो इक्वल टू कितना, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, मतलब इन तीनों का सम कर दूं, इन तीनों का सम करके इक्वल टू 9 आ रहा है। ऐसे बच्चे यहां पर 4 + 3 + 1, 4 × 3 = 7 और 1 = 8 आ रहा है, यानी कि 3 + 4 + 1 = 8, यानी कि इन तीनों का सम करके लास्ट वाला आ रहा है, इन तीनों का सम करके लास्ट वाला आ रहा है, तो 4 × 3 = 7 + 2 = 9, इन तीनों का सम करके लास्ट वाला आ रहा है, तो 8 × 3 = 11 और 1 = 12 आना चाहिए था यहां पर, यहां पर कितना आ रहा है 4, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ई E कितने पे आता है भाई, ई 5 पे आता है, ओ 15 पे आता है, यू कितने पे, 21 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, बाकी के सारे कौन से हो गए, स्वर हो गए, बवल्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी गुड भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी, 100 + 9 तो 11 × 99 और 100/11 हो जाएगा, 13 × 7 = 91, 100/100/13 हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 85 × 15 कितना होगा 100, 100/17 हो जाएगा, और यहां पे बच्चे 19 × 5 = 95, 106, 6 × 5 = 11, एक सेकेंड, 101/19, तो ऊपर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर आना चाहिए 100, यहां कितना आ रहा है 101 आ रहा है, ऑप्शन डी आंसर जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे मेरे दोस्तों, 52 = 142, तो यहां पे देखोगे 52 का डबल नहीं हो रहा है, ट्रिपल नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या करना है हमें, 5 और 2 = 7 हो गया, 4 × 2 = 6 और 1 = 7 हो गया, इनका सम करना है 1 + 4 + 2 का और यहां पे 5 + 2 का, तो इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही यहां पे 5 + 4 का सम करना है इक्वल टू 1 + 2 + 6 का, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, ऐसे ही यहां पे 5 + 6 इक्वल टू 1 + 6 + 8 होना चाहिए, 6 और 5 = 11, 8 और 6 = 14 = 15, ये नहीं इक्वल आ रहा, यहां देखोगे 8 × 5 = 13 इक्वल टू 8 × 4 = 12 = 13, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, देखो टोटल, अगर टोटल ग्रुप काउंट करोगे या ईच ग्रुप बनाओगे, तो आप पहले ये देख लो, बी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बात समझ में आ गई होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब सी के बाद ए आ रहा है, यहां पे सी के बाद जब ए आ रहा है, तो यहां ए से पहले क्या होगा, सी होगा। अब एक बात बताओ, जब सी के पहले क्या आ रहा है, बी, और बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है ना, और बी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और बी से पहले क्या आ रहा है, ए, तो यहां पे ए आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए, और यहां पे एक सेकेंड, सी, ए, तो ये सी आ गया, और ये क्या हो गया, बी हो, सॉरी ए हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो क्या आया, सी ए बी,
तो सी ए सी ए यानी कि सी ए बी ए बी सी बी सी ए सी ए बी बी ठीक है ना ए बी सी यही सीक्वेंस चलता रहेगा तो सी ए सी ए बी आ जाएगा। तो कौन सा जा रहा है सी ए सी ए बी ऑप्शन सी जा रहा है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 121 253 374 495 तो यहां पे देखोगे तो 121 तो 11 का होता है पर 253 किसी का नहीं होता ना 374 किसी का स्क्वायर होता है। तो यहां पे मेरे दोस्तों देखोगे अगर मैं एक और एक ऐड कर दूं इनको तो कितना आता है दो आता है यानी कि 1+1 करूं तो मिडिल वाला नंबर आ जाता है। ऐसे ही इनको ऐड करूंगा 2+3 करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा यानी कि मिडिल वाला नंबर आ जाता है। ऐसे 3+4 करूंगा तो 7 आएगा तो कौन सा नंबर आ जाता है मिडिल वाला नंबर आ जाता है। ऐसे में यहां पे 4+5 करूंगा तो 9 होगा तो कौन सा मिडिल वाला नंबर आएगा तो मिडिल वाला देखना है। तो देखो 5 और 5 10 होगा ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा और 5 और 2 7 होता है ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा 6 और 5 11 होता है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 12 का C हो जाएगा 12 का C वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। भाई वीडियो को शेयर नहीं कर रहे अभी तो 100 भी नहीं पहुंचे क्या बात है क्या बात है। चलो देखो बच्चे टी कितने पे आता है 20 पे और क्यू आता है 17 पे एन आता है 14 पे के 11 पे एच 8 पे ई 5 पे बी 2 पे वाई 25 पे वी 22 पे एस 19 पे पी 16 पे। तो यहां पे देख रहे हो 3 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 कम हो रहा है तो 16 में से 3 कम करेंगे तो 13 13 पे क्या आएगा एम आ जाएगा यहां पे और 13 में से फिर 3 कम करेंगे 10 10 पे क्या आएगा जे जे में 10 में से फिर 3 कम करेंगे 7 7 पे क्या आ जाएगा जी। तो एम जे जी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे ई डी सी बी ए ई डी सी बी ए तो यहां पे देखना है देखो यहां पे देखिएगा अगर मैं ई की बात करूं 5 पे आता है डी 4 पे आता है सी 3 पे बी 2 पे ए 1 पे आता है जे 10 पे आता है और आई 9 पे आता है एच आता है 8 पे जी 7 पे एफ 6 पे। तो 5 से 10 हो रहा है 5 कम हो रहा है 5 से 10 हो रहा है 5 कम हो रहा है 4 से 9 हो रहा है 5 कम हो रहा है 3 से 8 हो रहा है नहीं नहीं ऐड हो रहा है कम नहीं हो रहा ऐड हो रहा है 5 से 10 प्लस के 5 हो रहा है प्लस प्लस 5 हो रहा है यहां भी प्लस 5 2 से 7 हो रहा है यहां भी प्लस के 5 हो रहा है 1 से 6 हो रहा है प्लस के 5 ओ आता है 15 पे 15 में 5 ऐड करोगे 20 20 पे क्या आएगा टी और टी ए की ऑप्शन में है आपका ऑप्शन सी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 01415 तो यहां पे देखते हैं यहां पे क्या चल रहा है अगर मैं यहां पे इनटू 1 करूं प्लस के 1 कर दूं और यहां पे इनटू 2 कर दूं प्लस के 2 कर दूं यहां पे इनटू 3 कर दूं प्लस के 3 कर दूं 4 3 12 और 3 15 यहां पे इनटू 4 कर दूं प्लस के 4 15 4 60 और 4 64 64 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यदि ड्राइवर 12 है यानी कि ड्राइवर 12 है पेडेस्ट्रियन 20 है एक्सीडेंट 16 है तो कार क्या होगा। तो देखो बच्चे अगर हम जानते हैं अगर इन्हें अल्फाबेट का सम भी करेंगे सम करके किसी से डिवाइड भी करेंगे तो ये तब भी नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है 3 और 3 6 3 का डबल यानी कि अल्फाबेट को काउंट करा कितना अल्फाबेट है तो कितना है 3 और 3 6 6 अल्फाबेट है और 6 अल्फाबेट है 6 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 12 ऐसे इन्हें काउंट करेंगे 3 और 3 6 और 3 6 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ठीक है ना 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया 20। एक्सीडेंट में देखो 4 और 4 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 16 ऐसी कार में कितना है 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वेरी गुड किसी कोड भाषा में सूरिक नाइक तो देखो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं सूरिक का कोड क्या है सी इज ब्रेव ये ब्रेव है पाई सोरिनिक तो इसका कोड क्या है भाई सी इज ऑलवेज स्माइलिंग स्माइलिंग एस एम लिख दिया मैंने स्माइलिंग
ठीक है ना, और यहां क्या है एस ओ सोर री जी जेड एच आई जी, इसका क्या है इज ऑलवेज ए एल लिख दिया मैंने ऑलवेज को, और चीरफुल सी एच डबल ई आर लिख दिया मैंने चीर, क्लियर है। तो हमें निकालना है स्माइलिंग का कोड निकालना है, स्माइलिंग का कोड निकालना है। तो स्माइलिंग का कोड कैसे आएगा, देखो पहले कॉमन देख लो, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है इज आ रहा है, तो इज कैंसिल हो गया भाई, इज कैंसिल हो गया, क्या हो गया इज कैंसिल हो गया, लास्ट वाले में क्या था इज ऑलवेज, ठीक है इज, तो री री कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ऊपर सी कॉमन है, सी कॉमन है तो सी से क्या कॉमन है निक कॉमन है, निक कैंसिल हो गया। अब यहां देखो इज ऑलवेज, ऑलवेज से नीचे वाले में क्या सोर कैंसिल हो गया, तो यहां बचा स्माइलिंग, और स्माइलिंग का कोड क्या आ जाएगा पाई, पी आई पाई आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन क्या है बच्चे, कम्युनिकेशन है कौन सा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो वो बताना है, तो क्या बनाया जा सकता है एम्यूनिशन, तो ऑप्शन ए आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको जो अल्फाबेट दिए हैं इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है इसका, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, तो कैसे बच्चे हमें ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। तीन की जगह क्या दिया यू, तो यहां पर यू रख दिया, नौ की जगह क्या दिया एन, तो यहां पर एन रख दिया, और चार की जगह क्या दिया एस, तो यहां पे एस रख दिया, टू की जगह क्या रखा है सी, और एट की जगह क्या दिया आर, और टेन की जगह ए, और फाइव की जगह मेरे दोस्तों दिया है एम, और एक की जगह दिया है मेरे दोस्तों बी, सेवन की जगह एल, और सिक्स की जगह दिया है क्या ई, तो ये क्या हो गया अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल का क्या एक मीनिंग निकलता है, ठीक है ना, एक मीनिंगफुल वर्ड है ये, और अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है बच्चे सुलझाना, हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है इसका सुलझाना, ठीक है ना, तो ऐसे निकालना है भाई, ऑप्शन चलना है आपको, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 में बी होगा, चलो देख लेंगे अगला क्वेश्चन, चलो सीजर्स क्लोथ, सीजर्स क्लोथ देख लेंगे अंकुर, ठीक है ना, 18 वाला मैं चेक कर लूंगा। अगला चलो सीजर्स क्लोथ, तो सीजर्स यूज्ड टू कट क्लोथ, किसके लिए यूज्ड टू कट क्लोथ, ऐसे ही सेम वे में सिमिलरली, तो रेजर इज यू टू सेव, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, भाई वीडियो को शेयर कर दो। गिवन सेट है 10.5 से 15 हो गया तो कितना ऐड हो रहा है यहां पे, तो भैया 10.5 से 15 हो गया तो कितना ऐड हो रहा है 4.5, 4.5 ऐड हो रहा है, कितना 4.5 प्लस हो रहा है। अब 15 से 21.5 हो गया तो 6.5 21, 6.5 ऐड हो रहा है यहां पे, कितना 6.5, तो ऑप्शन देखेंगे 32.5 में अगर हम 4 ऐड करें तो 36.5, और आधा और ऐड कर दें तो 37, तो ये जा रहा है 4.5 यहां ऐड हो रहा है, यहां पे कितना ऐड हो रहा है 6.5, तो ऑप्शन ए आपका आंसर जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सेलेक्ट द रिलेटेड, ठीक है ना, रिलेटेड तो ये रिलेट करना है बच्चे, ई कितने पे आता है, ई आता है आपका 5 पे, एच 8 पे आता है, जी आता है आपका, सॉरी जे आता है 10 पे, के 11 पे आता है, एन 14 पे, पी 16 पे, तो भैया 5 से 11 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है, 10 से 16 हो रहा है, यानी कि सभी में क्या ऐड हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, तो ऐसे ही एस आता है 19 पे, 9 6 15, 25 पे क्या आएगा एक्स आएगा, और एक्स आ रहा है आपका ए के ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, सारा चेक करना नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ठीक कराए ना, अच्छा 19 9 6 15 25, 25 पे बाई आएगा ना, ये तो 24 पे होता है यार, बाई बाई एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है ना, बाई 25 पे। अगला क्वेश्चन, हाँ बी में, वेरी गुड, बी में हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन चलेंगे, वो ग्रह है प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस लगा दिया, ये लगा दिया हमने, और माइनस का अर्थ इनटू है तो यहां इनटू लगा दिया, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड है नहीं तो कहां से, ठीक है, और इनटू का अर्थ डिवाइड है तो यहां पे डिवाइड लगा दिया हमने, और क्या दिया भाई, और कुछ दिया है, प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस का अर्थ माइनस ये लगा दिया, तो इसे सॉल्व करोगे 5 से 2 बार जाएगा, 15 ती 45, ठीक है 15 ती 45, 45 और ये कितना हो जाएगा
सात हो जाएगा माइनस के साथ, 45 माइनस सात करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 38 आ जाएगा, माइनस के साथ करोगे तो 38 आ जाएगा। तो 38 कौन सा आ रहा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 10 प्लस 10 डिवाइडेड 10, तो यहां पे आपको प्लस, अगर देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन उठाएंगे प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस करना है, जहां माइनस है वहां प्लस, तो यहां माइनस कर देंगे और यहां माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे, बस यही करना है। 10 से 10 को डिवाइड करा एक, ठीक है ना, 10 में से एक गया 9, तो ये तो बहुत ज्यादा बैठेगा तो 10 लाना है, तो इतना ऑप्शन ए तो आएगा नहीं। प्लस की जगह बी चेक करेंगे, तो बी में क्या देखना है, प्लस की जगह डिवाइड करना है, तो यहां डिवाइड करेंगे और डिवाइड जहां वहां प्लस कर देंगे, ठीक है ना। बाकी देख लो, 10 से 1 आ गया तो 10 से 1 आ गया, ये भी बहुत ज्यादा बैठेगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी देखोगे, नेक्स्ट ऑप्शन सी, प्लस की जगह इंटू करना है, तो यहां इंटू कर दिया, इंटू की जगह प्लस करना है, तो यहां पे देखेंगे 10 से 10 डिवाइड हुआ तो 1 आया, तो ये 10 और 1 11 हो गया, 10 और 1 11 क्या, नहीं 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 हाँ इंटू में है ना, ये तो 10 ही आएगा, 10 इंटू 1 आएगा ना, तो ये 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 5 + 7 + 2, ठीक है, वो कह रहा है कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति से हल किए जाते हैं, तो इस आधार पर कुछ बिना हल प्रश्नों को सही उत्तर ज्ञात करें। तो भैया यहां पे देखोगे, 7 को रखा है स्टार्टिंग में, लास्ट वाले को मिडिल में रख दिया और स्टार्टिंग वाले को लास्ट में रख दिया, ऐसे यहां पे 9 0 6 कर दिया है, तो यहां 4 3 8 हो जाएगा इसका, 4 3 8, तो 438 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 44 79 16 81 09, तो यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहां पे देखेंगे भैया 77 14 माइनस करेंगे 7 9 16 में, तो 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 7 गए 2, तो प्लस के 2 ऐड, प्लस के 202 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, प्लस के 202 ऐड हो रहा है, बट यहां पे करके देखेंगे 9 में से 6 जाएंगे 3, तो ये सीक्वेंस आएगा नहीं। अगर मैं इसी में ऐड करके देख दूं प्लस के 202, तो 9 2 11 और बचे 2 1 3 8, 83 11 83 11 आ रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मिसिंग टर्म ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, कौन सा मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो मिसिंग टर्म देखेंगे, फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो ये क्या हो गया, 50 और 10 60 और 2 62, और 62 का मैं डबल कर दूं तो 2 2 4 6 2 12 124 आ गया, ठीक है ना। ऐसे इसमें अगर मैं सभी को ऐड कर देता हूं, 300 कितना होगा, 72 होगा, 372 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 300 2 600, 72 2 144, 744 आ जाएगा, तो ये आ गया 744। ऐसे मुझे ये सारे ऐड करने हैं, तो ऐसे कैसे करेंगे, x प्लस के 550 प्लस के 110 इक्वल टू कितना, इंटू टू इज इक्वल टू 1364 चाहिए मेरे को, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 550 और ये 650, 660, 660 हो गया, 660 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1320, यानी कि 2x प्लस के 1320 हो गया, इज इक्वल टू 1364 हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना, यहां भी मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है आपको, तो बच्चे यहां देखो 0 + 6 + 4 = 10 प्लस के इन सभी को ऐड कर दो, यानी कि 0 + 6 + 4 + 3 + 1 + 5, तो ये कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 और 5 19, 19 × 7 करूं तो कितना होता है, 9 7 3 133 होता है। यहां पे ऐसे ही 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 4 22, 22 और 6 28, 22 और 6 कितना होता है, 28 होता है। अगर मैं 28 में 7 से मल्टीप्लाई करूं, 8 7 56 6 5 7 2 14 और 5 19 196, ऐसे यहां पे हो जाएगा। अगर मैं यहां पे करूं बच्चे आपका 2 और 1 3 2 और 1 3 3 और 5 8 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22 22 × 7 करूं, 7 2 14 7 2 14 1 15 154, ऑप्शन सी जाएगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है एक ही पैटर्न से आंसर आए, मैं हमेशा ये कहता हूं रीजनिंग में ये कंपलसरी नहीं होता, जिस पैटर्न से मैं कर रहा हूं उसी से आंसर आया, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे, बट लॉजिक आपका ठीक होना चाहिए, कोई भी पैटर्न लगा सकते हो।
ठीक है भाई। तो यहां पे एक निश्चित कोड में, सर्टेन कोड में दिसंबर को कोड करा गया यहां पे, तो यहां पे क्या कर दिया, ईआर, ईआर को यहां रख दिया, फिर एमबी रख दिया है, फिर सीई रख दिया है, फिर डीई रख दिया है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, एनओ हो जाएगा, फिर वीई हो जाएगा, फिर एमबी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ईआर हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, एनओ बी एमबी ईआर, ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो को शेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको लास्ट में पढ़ना है, क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, तो क्रिकेट बैट के साथ खेला जाता है, और बैट को क्या बोला गया है, रैकेट बोला गया है, क्या, रैकेट बोला गया है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सिंगल मैट्रिक्स दी है, तो इसका आंसर करना है। तो देखो ये जरूरी नहीं होता है हम लेफ्ट से लेके, अगर रो में पहले चलें और कॉलम में बाद में चलें, कभी कभी वो कॉलम में चलता है, रो में बाद में चलता है, तो दोनों तरीके से वो ले सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें समझेंगे, पहले डी का कोड देखना है, डी को पीछे से चेक करना है, 36, तो 3 यहां देखता हूं मैं, अगर 3 यहां देखता हूं और 6 यहां देखता हूं तो यहां नहीं आ रहा, अगर मैं 3 यहां देखता हूं ये और 6 यहां देखता हूं ये, तो इन्हें इंटरसेक्ट करेंगे, कहां होंगे ये, इंटरसेक्ट ई पे होंगे, तो ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। अगला देखेंगे, डबल 4 पे डी देखते हैं, 4 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो इस पे डी देखते हैं भाई, यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे से भी आप चेक कर सकते हो, पीछे से जनरली आसानी से चेक हो जाता है। 17 पे डी देखेंगे तो 1 ये आ गया, 7 ये आ गया, इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, ये डी पे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो ये ठीक चला गया एक। तो 50 पे एन देखेंगे तो 5 ये हो गया, 0 ये हो गया, तो एन आ रहा है यहां पे, आ रहा है, ये भी ठीक चला गया हमारा। 33 पे आई देखेंगे तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो यहां पे आई देखेंगे, आई ये आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। 34 पे एम देखेंगे तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, एम यहां देखेंगे ये आ रहा, तो एम ये आ रहा, तो बिल्कुल ये भी ठीक जा रहा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जा रहा है। 31 में इसमें डाउट हो जाता है शिवम, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, जहां समझ में ना आए आप वहां कोई, ठीक है, इधर से भी चल सकते हो, रो को पहले ले सकते हो या कॉलम को पहले ले सकते हो, रो को बाद में ले सकते हो, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लाइन यहां से आ रही है तो ये लाइन यहां आ रही है, इन दोनों के पॉइंट मिलने चाहिए, उस वर्ड को देखना, उस लेटर को देखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वेन आरेख का, भाई वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है, ये स्पेशली आप लोगों के फायदे के लिए क्लास चल रही है, ठीक है, ये आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज का, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और आपका डेली का 50 क्वेश्चन जब रीजनिंग का प्रैक्टिस होता है, तो कम से कम ना है तो 125 महीने में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे, स्पैरो गौरा या पक्षी, भैया एक बात बताइएगा मेरे को, वर्ड के अंदर क्या आएगा, ये तो वर्ड हो गया, और इसके अंदर क्या आएगा, गौरा आ जाएगा, स्पैरो, और चूहिया तो अलग हो जाएगा, माइस अलग आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं बचेगा, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आप इस चीज को हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है, बट वीडियो को शेयर कर दिया करो। इसमें कह रहा है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड वर्ड बट अनमैरिड। वो कह रहा है ऐसी लड़कियां चुननी है जो रोजगार तो है बट, ठीक है, रोजगार तो है बट अनमैरिड है मेरे दोस्तों, तो ये अनमैरिड वाला ब्लॉक तो बिल्कुल अलग ही कर दो। अब भैया ये बचा दो, दो के साथ क्या है, गर्ल भी है और ये रोजगार भी है, तो दो आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये दिस वन डाइस का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। डाइस में क्या है, अगर एक पासे की, एक डाइस की दो से ज्यादा स्थिति दी हो, पोजिशन दी हो, वो एक ही डाइस की होती है, ठीक है, अलग अलग डाइस नहीं होते हैं। दूसरी बात, अब अगर दो से ज्यादा पोजीशन दिए तो या तो वहां पे आपको टू कॉमन ट्रिक यूज करना है, अगर वो सारी डाइस सारे सरफेस के अपोजिट पूछ रहा है तो वहां पे वन कॉमन सरफेस यूज करना है। अब यहां पे क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है उनका योग 7 होता है, बच्चे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, अगर वो सम की बात, अपोजिट सरफेस के सम का योग जो होता है 7 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 6 के अपोजिट हमेशा 1 होगा। ये किस में होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है, मानक पासे की कंडीशन होती है, हमेशा 1 के अपोजिट 6 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, और 4 के अपोजिट हमेशा 3 होगा।
ठीक है ना, चार। तो ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन होती हैं। और एक चीज और, दो तरह के डाइस होते हैं, एक जनरल डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट, दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए, ठीक है ना, दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। तो देखो दो अपोजिट सरफेस का सम 7 कहां हो रहा है, यहां पे मेरे दोस्तों देखोगे 5 और यहां पे 2, ये अगल बगल में, एडजेसेंट कौन सी होती है, अगल बगल में, यहां पे क्या हो रहा है 7, तो ये क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। यहां पे देखोगे मेरे दोस्तों 4 और 3 7, ये भी कौन सा हो गया, जनरल डाइस हो गया, साधारण पासा हो गया। यहां पे देखोगे 5, यहां पे 4, यहां पे ये, तो ये क्या हुआ, अपोजिट। इस पे यहां पे किसी भी एडजेसेंट डाइस का, एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं हो रहा, अपोजिट, तो ये क्यों क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आंसर तो ये होगा ऑप्शन बी सी वाला। यहां पर देखोगे 5 और 2 7, ये भी कौन सा है, जनरल डाइस है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, गल वाला रिपीट, गल वाला कौन सा था भाई, चलो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन को समझो, जो आपकी गल वाला जयश्री, जय स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है, एक बार ध्यान से, वो कह रहा है बच्चे जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं अनमैरिड होनी चाहिए, वो क्या अनमैरिड होनी चाहिए और उनके पास एम्प्लॉय होना चाहिए, तो अनमैरिड वाला तो हम बिल्कुल हटा ही देंगे, तो अनमैरिड के अंदर जो गर्ल्स आ रही हैं वो बिल्कुल हटा देंगे हम, बट वो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है एम्प्लॉय, वो उनके पास क्या एम्प्लॉयड है वो, तो क्या है, अब ये बस दो बचा, तो दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस ये था सिंपल इसमें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, तो भैया मेरा जो मुंह है वो दक्षिण डायरेक्शन में है, साउथ में, क्लियर है, किधर है मेरा मुंह, साउथ में, ध्यान रखेंगे फेस कहां है मेरा, साउथ में है, ठीक है, मेरा फेस कहां है दोस्तों, साउथ में है। वो कह रहा है मैं दाएं मुड़कर, कहां बच्चे दाएं मुड़कर, जब मैं साउथ में खड़ा हूं तो मैं दाएं मुड़ूंगा, यानी कि राइट हैंड पे मुड़ूंगा, तो इधर चलूंगा, पहले इधर चलूंगा भाई, मैं ये चला, तो ये क्या कह रहा है, कितना चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चल गया मैं, ठीक है ना, फिर कह रहा है वो दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो ये 10 मीटर चल गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और फिर कितना जाता है वो, 10 मीटर जाता है, तो बाएं मुड़ता है तो फिर 10 मीटर ये चला गया, ठीक है ना, फिर कह रहा है बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, 20 मीटर ये हो गया, फिर कह रहा है वो पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तो 60 मीटर ये हो गया। तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 20 और 10 30, तो ये तो 30 हो गया, तो ये कितना बचा, ये 30 बचा, पूरा कितना यहां से यहां तक 60 है, कितना है 60 है, तो ये अगर ये मैं यहां यहां था तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली, अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जयश्री कौन सा क्लियर करना है, उसमें पूछा है बच्चे, देखो हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, बट अनमैरिड, परंतु, अच्छा 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 ठीक है, इसे देखो भाई एक बार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जयश्री, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना, बट नॉट, ठीक है, तो कौन सा आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक्स। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक की दिक्कत कर देती है भाई, और कभी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा फंसता है ना जिसमें कंफ्यूजन अगर मुझसे गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसे आप कमेंट में ना, ऑफलाइन कमेंट में, कमेंट हम देखते हैं तो ऑफलाइन कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दिया, रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे करके डाल दिया, तो हम उसे अगली क्लास में, मैं उसे पीपीटी में ही रख लूंगा फिर, ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संजीव, ठीक है, टेस्ट सीरीज का फायदा क्या रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ऑफलाइन कमेंट करो और डाल दो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर दिस, तो मैं उसे नेक्स्ट पीपीटी में रख लूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तो यहां पे द आवर हैंड, तो भैया फिर आ गया क्वेश्चन कल वाला ही,
कल का सेम वे में, अब एक तो आप देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसे ओरली कर लोगे, मैं आज इसे पूरा डिटेल में समझाता हूं। तो भैया घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 बजे उत्तर दिशा में बता रहा है, ये बता बना दी मैंने घड़ी, ये बन गया 12 और ये बज गया 6 और ये बज गया 3, ये बज गया 9। तो भैया 4:30 बजाओ तो 4:30 बजाएंगे मेरे दोस्तों, 4:30 ये बजेंगे, 4 ये हो गया, यहां पे 4 ये हो गया, क्लियर है? तो साढ़े घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। अब एक बात बताओगे ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, घंटे वाली सुई 4:30 बजे उत्तर दिशा में बोल रहा है, बट ये डायरेक्शन कौन सी है रे, साउथ ईस्ट है, कौन सी है, साउथ ईस्ट, बट उसने क्या बोला है, उत्तर बोला है, नॉर्थ बोला है। तो भैया यहां से नॉर्थ ये वाला है, तो यहां से नॉर्थ है, अगर ये डायरेक्शन है तो यहां से घूम के जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज कितना जाओगे मेरे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 ये 90 ये 135 डिग्री जाओगे, 135 डिग्री। अब क्या कह रहा है, 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो भैया 7 बजे तो दोनों सुइयां 12 की तरफ ही होंगी, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर ही होगी, नॉर्थ ही होगी, क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज कहां था, 7 बजे ये 7 ये बजेंगे ना, तो 7 यहां बजेंगे, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी। तो नॉर्थ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे, नॉर्थ ये है यहां से, तो भैया 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाती है, साउथ वेस्ट आ जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट है इसमें, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और जो कल वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे जो क्वेश्चन था उसका आंसर साउथ ही था भाई, उसका आंसर साउथ ही था, ठीक है, ये क्लियर है ये क्वेश्चन। एक बार और समझा रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो एक बार और समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर बहुत दे रहा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो अपडेटेड हैं। ये हो गए 4:30 बजा दिए मैंने, ये 4:30 बजा गए, ये 4:30 बज गए भाई, तो 4:30 बज गए, तो वो कह रहा है घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई तो ये, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट होती है, तो ये होती है साउथ ईस्ट, बट उसने क्या बोला है, उसने बोला है नॉर्थ, ऊपर देखो क्वेश्चन में नॉर्थ बोला है, तो भैया साउथ ईस्ट से ये साउथ ईस्ट हो गया, अगर मैं नॉर्थ में पहुंचूंगा तो यहां से पहुंचूंगा तो ये नॉर्थ आ गया, तो 135 डिग्री कैसे गया मैं, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया। ऐसे ही अब 7 बजे, तो 7 तो यहां बजेंगे, तो क्या कह रहा है, 7 बजे मिनट वाली सुई, सॉरी 7 बजे मिनट वाली, तो 7 तो यहां बजेंगे, तो मिनट वाली सुई कहां होगी, यहां पे, तो यहां से नॉर्थ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री तो ये हो गया यहां तक और 45 डिग्री ये हो गया, तो कौन सा आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, सॉरी साउथ वेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं रखता रहूंगा, आज नहीं समझ में आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, कब तक हमसे बच के जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक क्लास एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारों से 19वें नंबर पे है, और उस लड़का जब 19वें नंबर पे है तो 2 बार काउंट होगी उसकी पोजीशन, एक कम कर देंगे तो टोटल निकाल देंगे, तो 19+19 तो कितना, -1 कर देंगे, 19 × 38 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 37 आ जाएगा, 37, क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, 10% अगर क्लियर हुआ है तो 20% कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच विद्यालय ए बी सी डी तथा ई के मुख्य उत्तर की दिशा में हैं, ठीक है भैया, पांच स्कूल हैं या पांच बच्चे हैं, वो कह रहा है ए ई तथा बी के मध्य में बैठा है, तो ए ई तथा बी के मध्य में बैठा है, ई ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है ना, ई तथा बी के मध्य में बैठा है। आगे क्या कह रहा है, ई डी के दाईं ओर है, ई जो है डी के दाईं ओर है, तो डी यहां हो जाएगा राइट हैंड में ई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी तथा सी पंक्ति के अंत में बैठे हैं, तो डी यहां बैठा है तो सी इधर बैठ जाएगा, तो कितने थे, 5 ही तो थे शायद, 3 × 2 = 5, तो ये 5 हो गए भाई आपके। तो क्या कह रहा है, सी के बाई ओर कौन है, तो सी के बाई ओर कौन है, बी है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों इतना। अगला क्वेश्चन ये क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा,
ठीक है बच्चे, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, क्लॉक का, कैलेंडर का, डायरेक्शन वाला, रैंकिंग वाला, डिटेल में कराया हुआ रीजनिंग है, प्लेलिस्ट खोल के देखोगे, थोड़े पुराने लेक्चर हैं, डिटेल में कराया, एक एक कॉन्सेप्ट कराया मैंने उसमें, ठीक है। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, तो भैया मिनट हैंड द्वारा, मिनट हैंड द्वारा अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड में जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 1/10 डिग्री, ये मैं कल भी कराया है। तो देन क्या हो जाएगा, 59 सेकंड में हमें निकालना है, तो 59 सेकंड 1/10 × 59, तो 5.9 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कहां गया, सी, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वीडियो को शेयर करते रहो। ऑल पेन्स आर रोल्स, तो भाई मेरे ये पेन हो गए, ये पेन हो गए, तो सारे पेन क्या है, रोड है, और ऑल रोड क्या है, हाउस है, तो ये हाउस हो गए भैया। तो आप क्या कह रहा है, All house are pen, all house are pen, नहीं some house are pen होता है। मैंने क्या कहा, बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो some वाला केस लगेगा, और अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो all का केस लगेगा। इधर जाओगे तो all का केस लगेगा भाई, किसका, all का लगेगा, और बाहर से अंदर आओगे तो some का लगेगा। वो कह रहा all house are pens, नहीं नहीं पहला वाला गलत हो जाएगा, some house are pens हो जाएगा, some house are pens, ठीक है। तो ऑप्शन सॉरी दूसरा वाला ये ठीक हो जाएगा, दूसरा वाला ओनली टू, वेरी गुड, ओनली टू, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आंसर करना है सभी को। वो कह रहा है क्या संसदीय विधान परिषद के चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। आर्ग्यूमेंट है, हां सामान्यतः 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपनी क्षमता तथा इच्छा शक्ति खो देते हैं। सेकंड वाला है, नहीं व्यक्तियों का जीवन काल बढ़ गया है तथा व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र तक भी शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। ऐसा देखो क्या होता है बच्चे, वेरी गुड, किसी भी व्यक्ति की आयु उसकी मानसिक तथा प्रशासनिक क्षमताओं को मापने का पैमाना नहीं हो सकती है, इसलिए कोई भी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कि कार्य करने वाली, ये ऐसा इससे कोई रिलेट नहीं, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, इसमें दोनों में से कोई सा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति की आयु उसकी मानसिक तथा प्रशासनिक क्षमता को मापने का पैमाना नहीं हो सकती है, इसलिए कोई भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट अजम्पशन वाला, पहला क्वेश्चन था स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है ना, उससे पहला क्वेश्चन था स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन वाला। क्वेश्चन का डिफरेंस समझो, पहला था स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, फिर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, फिर स्टेटमेंट अजम्पशन वाला, ठीक है। इसे देखेंगे, विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। पहला है, लोग रंग रूप को बढ़ने को पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। देखो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर किसी फेस वॉश का एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसकी सेल ज्यादा हो उसके लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। बट ये दोनों चीजें लिखी हैं, संचलन की संचलन सर्कुलेशन की जो एब्सेंट रहती है, रंग रूप नीरस हो जाता है, दोनों ही ठीक है इसमें, ऑप्शन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, इसका आंसर करना है भाई, अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत राइट होगा एसपी साहब, वेरी गुड भाई, वीडियो को शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन है, किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास यानी कि मेरी मां, अगर मैं कहूं मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माताजी होगी कि इकलौती पुत्री, मेरी माताजी की इकलौती पुत्री मेरी क्या लगी, बहनी तो लगी भाई। अगर मेरी बीवी की सास, मेरी वाइफ की सास मेरी मां, और मेरी मां की इकलौती बेटी, तो मेरी क्या लगी, बहन लगी, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करो बच्चे फटाफट। चलो अगला, बी डी की मां है, भैया बी क्या है, डी की मां है, बी डी की मां है, तथा सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, प्लस लगा दिया भाई पे मैंने, जो मेल है प्लस, ध्यान रखेंगे मेल के लिए मैं प्लस यूज करता हूं और फीमेल के लिए मैं माइनस यूज करता हूं।
एच ई की पुत्री है। चलो एच जो है, एच ये हैंग हो जाता है कभी कभी, एच ई की पुत्री है। क्या कह रहा है, एच कहां गया, एच ई की पुत्री है, ठीक है। डी ई की पत्नी है, जो डी है ई की पत्नी है, तो भैया यहां पे ई आ जाएगा और डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और ई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और यहां पे क्या कह रहा था, एच ई की पुत्री है, तो एच यहां आ गई, एच यहां कर दो चाहे इधर कर दो, ई की पुत्री है। तो क्या कह रहा है, ई का सी से क्या रिलेशन है, ई का सी से क्या रिलेशन है, ठीक है भाई, ई का सी से। हरिओम, क्लास का टाइम है आपका 9 बजे का। ब्रदर इन लॉ कौन है ये, शशि, वेरी गुड। हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ अगर भैया मेरी पत्नी का भाई मेरा क्या क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, पत्नी का भाई, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चल जा भाई, अगला क्वेश्चन बच्चे ये हैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में भी आते हैं बच्चे, मैथ में भी आते हैं, किसमें, रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुने से 1 वर्ष ज्यादा है, मैं अपनी उम्र मान लेता हूं एक्स, ठीक है भैया, मैं सन हो गया, ये फादर हो गया, मैं अपनी उम्र मानता हूं एक्स, मेरे पापा की जो उम्र है मेरे से 5 गुना और 1 वर्ष ज्यादा है, 5 गुना और 1 वर्ष ज्यादा है, तो 5x से 1 ज्यादा है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुने से 2 वर्ष कम है, पिता 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करूंगा, तो भैया ये x+3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दें, यहां लिख देता हूं मैं, x+3 हो जाएगा, और भैया ये क्या हो जाएगा, 5x+1+3 दोनों में ऐड होगा भाई, 3-3 साल तो दोनों की बढ़ेगी ना, दोनों में ऐड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ये, कितना, 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र 4 गुने, कितना, 4 गुने हो जाएगा, 4 गुना तो ये कर दिया, एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ, 4 गुने से 2 वर्ष कम है, तो 2 वर्ष ये कम कर दिया, इज इक्वल टू ये, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, अपने आप को रख लो उसमें, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, पूछ क्या रहा है, एज ऑफ फादर पूछ रहा है, तो एज ऑफ फादर कितनी थी, 5x+1, भैया वर्तमान वाली है, वर्तमान वाली, तो 6×5=30 और 1×31, ऑप्शन सी हो जाएगा, 31, नहीं नहीं बी नहीं होगा दोस्तों, सी होगा रे, सी होगा, क्या कर रहे हो भैया, एक्स की वैल्यू आ गई 6×5=30, 5×6+1 कितनी आ गई, 31 आ गई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे अरे क्या करते जा रहे हो, वेरी गुड अभिषेक, सी होगा रे सी। जब भी ये एज वाले क्वेश्चन करो ना, अपने आप को रख के करो, एक एक लाइन को पढ़ते चले जाओ, बस लिखते चले जाओ, कंफ्यूज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हो फिर उसमें, ठीक है, सी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वेट फॉर यू, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चे, मिडिल वर्ड बताना है, ये मिडिल वर्ड का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, मिडिल वर्ड का बताना है, मिडिल वर्ड कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, एच ए, एच ए आएगा, हॉकर आ जाएगा पहले पे, ये आ जाएगा। अब दूसरे पे कौन सा आएगा, ई वाला आ जाएगा, हेवन आ जाएगा, इसमें तो क्लियर से नजर आ रहे हैं। और फिर क्या, आई वाले में से सेलेक्ट करना है, एल वाला आएगा या एस वाला आएगा, एल वाला आएगा या एस वाला आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, हिल लॉक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, फिर क्या आएगा, हिल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा चौथे पे, हिस्ट्री आ जाएगा पांचवें पे, तो मिडिल नंबर बताना है, तो मिडिल कौन सा आ जाएगा, हिल लॉक हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलेंगे भैया नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अच्छा त्रिभुज बताना है रे, त्रिभुज बताना है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8×2=16, 8 का डबल कर दो, जो लास्ट नंबर आएगा उसका डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 16, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन फिगर दिया है, आंसर फिगर टिक कर दो, ठीक है। तो यहां पे देखोगे, यहां पे देखो रहे हो आप, यहां पे ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दो भाई।
तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 48 का कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये यहां चले जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, ठीक है ना, सी आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एन एम ये दिया आपका, मिरर दिया है, इसमें देखना है आपको और इसे पलटोगे। मैंने हमेशा एक बात कहता हूं, ए वाला पॉइंट ए पास वाला पॉइंट पास रहेगा और दूर वाला पॉइंट दूर रहेगा, ठीक है ना, दूर वाला पॉइंट दूर रहेगा और पास वाला पास रहेगा, कभी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ए अगर यहां है तो ए यहां रहेगा, अगर बी यहां पे है तो बी यहां रहेगा, तो बता दो भैया कौन सा हो जाएगा। रे सर्कल तो ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, सर्कल तो ज्यों का त्यों रहेगा और ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये पलट थोड़ी जाएगा, नीचे को कला थोड़ी लगाएगा, नहीं नहीं सी रहेगा रे, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी गुड, सभी के आ गए। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आज की क्लास का, सभी इसका आंसर कर दो, सभी इसका आंसर कर दो। देखो यहां से एक एक डार्क है, एक ब्लैंक है, एक डार्क है, एक ब्लैंक है, एक डार्क है, एक ब्लैंक है, एक डार्क आ जाएगा यहां पे और एक ब्लैंक आ जाएगा, तो डार्क और ब्लैंक किस में जा रहे हैं, ऑप्शन ए में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अपना अपना स्कोर बताना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन क्लास में कमेंट करिएगा, अगली क्लास में वो क्वेश्चन में पीपीटी में रख दूंगा। सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा अपना अपना फीडबैक भी दिया करो भाई, ठीक है, और मेहनत करते रहो, बी पॉजिटिव, और जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें अपना सभी सभी स्टूडेंट अपना अपना योगदान देंगे, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बाद में आपका सेशन है उमेश सर का। हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत कम स्टूडेंट लाइव रहते हैं, आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, पहले से अपडेट किया था। और ये क्लास आप लोगों की डिमांड पर शुरू हुई थी दोबारा से, आप लोगों ने समझ रहे हो, आप लोगों के ही डिमांड पर क्लास शुरू की गई थी। तो आप लोग जब तक लास्ट टाइम पर मुझे याद है कि 250-300 बच्चे हुआ करते थे लास्ट सेशन पर भी, ठीक है, लेकिन अभी 100 आपका 150 भी क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी लोग पहले तो शेयर करते रहिएगा क्लास को, एक बार शेयर कीजिएगा, ठीक है, चलो शेयर कीजिएगा। चलेगा, ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विच कंट्री विच इज द लार्जेस्ट, आपका यहां पर क्या दिया गया, प्रोड्यूसर ऑफ कोको, कोको उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर कोई कोको उत्पादन करता है, कौन करता है, आइवरी कोस्ट, समझ रहे, कौन करता है बच्चा आपका, आइवरी कोस्ट सबसे ज्यादा कोको उत्पादन करती है, ठीक है, कोको उत्पादन में अग्रणी स्थान है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो यहां पर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, इन चार ऑप्शनों में जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, तो कौन सा बसा हुआ है, तो अयोध्या, बिल्कुल सही आंसर, अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताए जिससे जिन्हें बचा, ठीक है, यहां पर जिस आया जिन है पंच मिशन के लिए, PUNCH करके, पंच मिशन के लिए नासा के द्वारा सह अन्वेषक के रूप में चुना गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को बच्चा आपका यहां पर क्या दिया गया, इन्वेस्टर के तौर पर चुना गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन्वेस्टर ने आपका इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना, को इन्वेस्टिगेटर के तौर पर चुना गया, तो कौन थे, दीपंकर बनर्जी। और ये कहानी थी आपकी 2019 में, लगभग लगभग आपका जून जुलाई की बात करते हैं हम लोग 2019 में, ठीक है, बता दीजिए सर। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यहां पर क्या दिया गया, मिलीबग किस फसल की, समझो मिलीबग बच्चा आपका कौन सी फसल की, क्या है आपका संबंधित है, ठीक है, तो मिलीबग किससे संबंधित है आपका, सरसों से, मिलीबग बच्चा आपका रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो क्रॉप कौन सी होगी आपकी, सरसों से जुड़ी हुई है, शेयर भी करते रहेगा, बहुत कम स्टूडेंट है
प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? उसेन बोल्ट कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? उसेन बोल्ट किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल सही आंसर आपका जमैका। शेयर करते रहेगा, बहुत कम स्टूडेंट लाइव है, बहुत कम, कम से कम आपको 200 प्लस तो होना ही चाहिए था क्लास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई? हु इज द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडमिन समझ लो कैट्स किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द बटरफ्लाई इज द कॉल्ड, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चा आपका? बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका लैपिड बच्चा आपका डेट्रियोलॉजी, ठीक है ना। लैपिड बच्चा आपका डेट्रियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहेगा, साथ ही साथ शेयर भी करते रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हीना सिद्धू का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है, हीना सिद्धू कौन से खेल से संबंधित है? ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े हुए, ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हीना सिद्धू किससे संबंधित है? शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, हीना सिद्धू का संबंध शूटिंग से। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो आपका क्या है स्ट्रेट है, तो वो कौन सी आपकी? भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने वाली बच्चा आपकी जल संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर की हम लोग बात करते हैं ना, गेटवे ऑफ का क्या कहते हैं आपका मेडिटेरेनियन सी कहा जाता, किसे? जिब्राल्टर को, ठीक है। तो जिब्राल्टर संधि किसे जोड़ती है आपकी? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को, यानी कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ती है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा किस भारतीय भारोत्तोलक को बच्चा डोपिंग रोधी डोपिंग आरोपों से अभी क्या किया गया? मुक्त किया गया। 2019 की कहानी है, भूले तो नहीं अभी। चलिएगा इसका राइट आंसर आएगा आपका संजीता चानू। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बना आपका? तो संजीता चानू राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। रेशम के कीड़ों का जो पालन कहलाता है आपका क्या कहलाएगा? सिल्वी, यहां पर क्या आएगा आपका? सेरिकल्चर बच्चा, ठीक है, सेरिकल्चर कहा जाता। और भारत भारत में सिल्क बच्चा आपका प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होता तो वो राज्य कौन सा? हमारा कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना दुनिया में सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी जो परीक्षण शुरू किया गया था? तो भूले तो नहीं होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध बच्चे आपका पर्यटन स्थल जो मेल नहीं खाता है? चीन की बात करेंगे तो चीन में आपका चीन की महान दीवार वहां पे है। यहां पर क्या दिया गया? भूटान में बच्चा आपका पारो टंगसंग दिया गया। नेपाल में आपका क्या है? पशुपतिनाथ, सबको पता है। और श्रीलंका के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर नहीं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पे? तो केरल में। भारत के कहां पर बच्चे आपका? केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का शंकर का नाम सभी लोगों ने सुना, तो किससे संबंधित है? सितार वादक। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आ रहा है यहां पे, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विदेशी विनिमय संचय के रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? यहां पर दिया गया आपका इंडिया बच्चा आपका मेंटेन द फॉरेन रेगुलेशन जो आपका एक्युमुलेशन की बात करी गई, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, समझ रहो, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है आपका? रख रखाव किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। भारत में पहली जो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा, तो कौन सी थी आपकी? कोवैक्सीन, समझो कौन सी थी बच्चे आपका? कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन विकसित की गई थी आपकी, उसे क्या नाम दिया गया? कोवैक्सीन नाम दिया गया था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। पौधे का कौन सा भाग जिससे हमें केसर प्राप्त होता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव बच्चे आपका कौन सा? सैफ्रॉन, तो स्टैग्मा यानी कि
वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे? वर्तिकाग्र से। शेयर करते रहेगा, देखिएगा जितने ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतनी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, एक आपको सकारात्मक ऊर्जा हमें भी मिलेगी और आपको भी मिलेगा बच्चा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की बच्चा मृत्यु क्या हुई थी आपका, खेलते समय नहीं हुई थी, समझ लो फिली यूज की हुई थी, मुझे जहां तक याद है यहां पर रमन लामा की बच्चा आपका बिल्कुल उनकी भी हुई थी और यहां पर विजय हजारे, ठीक है। तो यहां पर सी राइट आंसर आएगा, याद रखना मुझे जहां तक ध्यान है लास्ट टाइम पे मैंने ए और बी बोथ आंसर दिया था तो वो गलत था आपका। यहां पर क्या पूछा गया कि मृत्यु खेलते मैच खेलते समय नहीं हुई थी, तो यहां पर राइट आंसर बनेगा हमारा सी विजय हजारे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या बनता है आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग के लिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग के लिए। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, चपचारकूट आपका भारत के पूर्वोत्तर में कौन से राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम, समझ लो चपचारकूट मिजोरम में, संघाई आपका कहां पर, मणिपुर के अंदर, और हॉर्नबिल आपका कहां पर, नागालैंड में। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मशरूम किस प्रकार का जीवों में से आता है, तो मशरूम क्या होता है हमारा, फंगस होता है मशरूम बच्चा, किसका एग्जांपल है, कवक का। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार को किसके लिए था बच्चा आपका, गैस वितरण के लिए, ठीक है, गैस कनेक्शन वितरण के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किन अनुयायियों से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ आपका ये, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किससे जुड़ा हुआ आपका, तो ये जुड़ा हुआ किससे, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बहुत बढ़िया, आप लोग जितने ज्यादा रहोगे तो हमें और मेहनत करने का यहां पर मौका मिलेगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाएगा, अभी रिवीजन है जहां तक मुझे बच्चे, अब आपको कहता दूं ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, आप लोग डायरेक्टली नए क्वेश्चन देख के डिमोटिवेट ना हो, इस वजह से आप लोगों को पुराने क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक बार आप लोग दोबारा से उसी फ्लो में आ जाओगे, सारी चीज आप लोग को धीरे धीरे याद आ जाएगी, फिर हम लोग वहां पर बिल्कुल नए क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, एक जीन एक एग्जाम का सिद्धांत किसने दिया था, यहां पर क्या दिया गया, वन जीन बच्चा आपका, वन एंजाइम थ्योरी जो दी गई थी, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, बिल्कुल आपका वीडल और टाइटम के द्वारा दी गई थी। चलिएगा नेक्स्ट चलते हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य ने COVID-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए क्या किए गए थे बच्चा आपका, ऑपरेशन शील्ड, तो हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था वो, दिल्ली, समझ लो ऑपरेशन शील्ड आपका जो चलाया गया था COVID-19 के रोकथाम के लिए, तो किसने चलाया था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, कम नहीं होना आपको, क्लास में अंत तक बने रहना है, डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में कहां पर बताया गया, तो हमारा कहां पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख में बताया गया, समझ लो। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आपका इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल आपका, ठीक है, तो कौन सी होगी आपकी, यहां पर कलर ब्लाइंडनेस, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है क्या होती है आपकी, इनहेरिटेबल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये आपका, समझ लो जाती है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, साहित्य पुरस्कार कौन सा है, साहित्य पुरस्कार आपका यहां पर कौन सा आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किससे संबंधित आपका, ये एक साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, किस राष्ट्र ने भारत को हार्पून मिसाइल और तारपीडो मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी, तो वो किसने दी थी आपकी, अमेरिका, सही आंसर क्या आएगा आपका, तो जो आपका हार्पून मिसाइल और तारपीडो अमेरिका से खरीदेगा, भारत कहां से खरीदेगा, अमेरिका से, शेयर भी करते रहेगा साथ ही साथ
मैक्स से पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहला बच्चा आपका भारत में, अगर मैं बात करूं कौन से, विनोबा भावे, और समय था आपका 1958 का। इन्हें यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था, समझो, रेमन मैक्से पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इंडोनेशिया का पहला नाम, यानी कि इंडोनेशिया का प्रीवियस नेम क्या था? इंडोनेशिया को प्राचीन में काल में किस नाम से जानते थे? तो इसे जानते थे बच्चा आपका डच ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज के नाम से इंडोनेशिया को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? वर्तमान समय पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी, वर्तमान समय पर कौन है? सुधीर भार्गव की जगह पे कौन बन गए? बिमल जुल्का, बिल्कुल सही आंसर, जिन बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पे, बिमल जुल्का, ठीक है। अंकुर कुमार जी यहाँ पर, ये दून हो गया, नीरज पाल, राकेश कुमार जी, चॉकलेटी आकाश हो गए यहाँ पे, ये डी सोनिका यादव, रेणुका साक्या, ठीक है। तो सभी बच्चों के नाम लेना संभव नहीं है, और मैं बहुत कम नाम ले पाता हूं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बाद में जब आप लोग वीडियो देखते हो तो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, इस वजह से मैं बहुत कम नाम पढ़ता हूं। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे, धातु को गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका विलयन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है, तो कौन से धातु को? तो यहां पर आएगा आपका जिंक धातु को गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके क्या देती है आपका? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, विषाणु क्या होता है? तो विषाणु बच्चा आपका प्रोटीन और क्या बना होता है आपका, ठीक है, तो ये लिपिड्स होता है, ठीक, यानी कि आपका क्या आएगा, समझ लो, तो इसमें प्रेजेंट होगा आपका कौन सा, यहां पर याद रखेगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका अच्छा क्वेश्चन है। विषाणु, वायरस की बात की गई, वायरस आपका ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आएगा, समझ लो, यानी कि जीवित और निर्जीव दोनों में आता, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाए जाने की घोषणा की गई थी? ये क्वेश्चन आपको 2020-21 में कई जगह देखने को मिलेगा, समझ लो, अनाउंसमेंट द इम्पोज आपका पब्लिक कर्फ्यू, तो याद होगा वो डेट आपको 21 मार्च, जो संडे था, जो ये शुरुआत हुई थी आपके लॉकडाउन की, कब हुई थी? 21 मार्च, 21 मार्च को संडे के दिन, ठीक है, तो राइट आंसर आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी आपका 22 मार्च, सॉरी बच्चा आपका 21 नहीं 22 मार्च 22 मार्च को लगा था, यहाँ पे 21 नहीं, समझ लो, तो 22 मार्च को। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो वायरल डिजीज है, यहां पर कौन सा आपका जो वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज आपका कौन सा आएगा? चिकन फॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय जो मुस्लिम समुदाय थे उनके लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली खान, ठीक है ना। आज शिवम पांडे जी, पीडीएफ तो बहुत कम दिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट बनेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देश का पहला लाइकेन पार्क, लाइकेन मैंने आपको बताया था, लाइकेन जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, यानी कि ये संकेतक होता है वायु प्रदूषण का, तो देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुनस्यारी एक शहर आता है आपका, मुनस्यारी सिटी है बच्चा आपका, ठीक है, तो वहां पर आपका लाइकेन पार्क, पहला लाइकेन पार्क जो आपका, समझ लो, विकसित किया गया, तो कहां पर? मुनस्यारी क्षेत्र उत्तराखंड में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, शारदा अधिनियम 1929 के तहत, समझ लो, लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो ये रखी गई थी आपकी 14 और 18 रखी गई थी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे, सभी लोग बच्चे वीडियो को शेयर भी करेंगे और रेगुलर क्लास में बने रहेंगे, डेली आपकी क्लास होगी, आपके डिमांड पे ये क्लास शुरू की गई थी, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है और लाइव क्लास में रहना है, ये उन बच्चों को मैं कह रहा हूं जो बच्चे ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, आपको लाइव आना है और सपोर्ट करना है, ठीक है, एडी परिवार के साथ आपको लाइव जुड़ना है। चलेगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णय या निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष, जिस वोट को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं, किस नाम से? कास्टिंग वोट के नाम से।
नेक्स्ट बढ़ेंगे, पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में स्टोर होता है, तो किस रूप में होता है आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में ये क्या होता है, स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो राजस्थान की नहीं आपकी कौन सी, डोगरी जनजाति, एचपी और यूटी हमारा कौन सा, जैन के में रहती है, ठीक है, डोगरी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब के कुछ क्षेत्र में और आपका जैन के क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और उसके बाद ही सती प्रथा के अंत के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान चलाया, ठीक है, भारत में जो वेस्टर्न कल्चर के लिए भी इनके द्वारा क्या किया गया था, काफी सारे बच्चे यहां पर सहयोग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, वेस्टर्न कल्चर का मतलब मॉडर्न एजुकेशन के लिए समझ लो, भारत में मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में अलग अलग जो कुरीतियां उस क्षेत्र में की मैं बात कर रहा हूं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, जॉइंट सेशन आर्टिकल 108। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि साउंड बच्चा आपका नॉट ट्रेवल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, तो किस में, वैक्यूम में, यानी कि आपका निर्वात में, जहां पर वैक्यूम होगा वैक्यूम में क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है, जादू घोड़ा की खान या जादू घोड़ा माइंस किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए चर्चित है, समझ रहे हो, जादू घोड़ा की खान किसके लिए जानी जाती है, तो यूरेनियम के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे, यहां पर क्या दिया गया आपका, तो याद रखना आपका, समझ लो, नो कॉन्फिडेंस अगर बिल की बात करूंगा मैं तो कौन सा आएगा पर, जी वी मालवंकर, 1954 के आसपास जो बिल लाया गया था आपका प्रथम अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट बनेंगे हम लोग, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण, गोपाल हरिदेशमुख को, समझ लो, तो ये क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको कहा कि रिवीजन क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, उसकी वजह आपको बताई कि एक बार हम लोग दोबारा से उस फ्लो में आ जाएंगे, एक बार हम लोग सारी चीजें रिवीजन कर लेंगे, अगर मैं आपको सारे के सारे नए क्वेश्चन देता कहीं ना कहीं आप लोग डिमोटिवेट होते, ठीक है। तो मैंने यहां पर आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन पहले हम लोग इनको कर चुके हैं, नए क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन आगे आपको जैसे हम लोग फ्लो में आ जाएंगे एक दो प्रैक्टिस पेपर के बाद आपको सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहेंगे, आप लोग को जीएस में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक। हम लोग कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएगा और 20 क्वेश्चन हमारे रिवीजन का मतलब कुछ ना कुछ जो आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम में पहले भी कई बार इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए, और जीएस मैंने आपको कहा कभी भी आसान भी नहीं होती है और कभी टफ भी नहीं होती है। आसान इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो पढ़ेगा उसके लिए तो आसान होगा, और आसान का मतलब क्या है, बार बार रिविजन करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समझ लो, जो भी अभी मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट को भी देखिएगा, डिजिटल मूवमेंट है, आपको कहा गया कि आप लोग डिसलाइक करिए, आप लोग कमेंट्स करिए, बस आपको ये काम करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, बस उतना करिएगा और अपना ध्यान पढ़ाई पे दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल होना है। अगर मैं कहता हूं कि एसएससी ने अभी आउट कर लिया कि आपका 10 दिन बाद पेपर होगा, तो ऐसा ना हो कि हम लोग वहां पे ये सोचे कि बहुत कुछ छूट गया, तो आपको कभी भी तैयार रहना है, समझ लो, अगर चाहे 10 दिन में हो चाहे हमारा 1 महीने में पेपर हो, तो आप ये मान के चलिएगा जो फॉर्म आपने भरे उसका पेपर तो होना ही होना है, ठीक है। और मैंने हमेशा से कहा है ईएडी परिवार हमेशा से अपने स्टूडेंटों के साथ है, ठीक है, आप सभी लोग हमारे ईएडी परिवार का हिस्सा है, आप लोगों की जो भी डिमांड होगी, ठीक है, तो हमेशा से कोई भी मूवमेंट हो
तो एडी परिवार बच्चों के हित के लिए यानी कि स्टूडेंट के हित के लिए हमेशा से आपके साथ खड़ा है। ठीक है तो बच्चे मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है फिर मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में 5:30 बजे करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।